युवा नेता विवेक गौतम के द्वारा देव तालाब विधानसभा के कार्यकर्ताओं को रामलला जी के दर्शन हेतु अयोध्या ले जाया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रीवा जिले के लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्र, जबकि अध्यक्षता त्योथर के लोकप्रिय विधायक श्याम लाल द्विवेदी द्वारा उपस्थित श्रद्धालुओं से भरी बसों को भगवा झंडा दिखाकर रवाना किया गया। ये यात्रा अगले दिन सुबह अयोध्या पहुँच सरयू स्नान के पश्चात रामलला जी के दर्शन करेंगे। उक्त यात्रा से देव तालाब के कार्यकर्ताओं में रामलला जी के दर्शन हेतु काफी उत्साह दिख रहा है। इसमें बुजुर्गों के साथ साथ युवा तरुणाई अयोध्या जाने के लिए उत्साहित है। जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, देश विदेश में रामलला जी के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम अयोध्या पहुँच रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्म स्थली अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला जी के दर्शन का सौभाग्य सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। साथ ही हनुमान गढ़ी में विराजमान हनुमान जी महाराज के दर्शन भी प्राप्त होंगे तथा हम सभी को भव्य दिव्य अलौकिक श्री राम मंदिर के दर्शन का अवसर प्राप्त होगा, जिसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं विधानसभा के चारों दिशा से आए हजारों की संख्या में देव तालाब से आए देव तुल्य कार्यकर्ताओं को लेकर श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना होंगे। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसे राम जो जन्म से लेकर सब देवी देवतन की जय, सब देवी देवतन की जय, जय सियाराम, जय सियाराम। क्या कुछ बता रहा है कि विवेक का यह चाहिए, विवेक का वह चाहिए, हमका कुछ नहीं चाहिए, हमका अपना के आशीर्वाद चाहिए, केवल यह कहता है केहू के नाम छूट गया हो तान ले, चूंकि समय के मर्यादा है और तमाम सम्मानी लोगन का बोले का है। स्वागत करें सब जने उतरी चाय नाश्ता करी सब जने सब देवी देवतन की जय, सब देवी देवतन की जय, जय जय।
सियाराम। जय सियाराम। लाला जी के दर्शन करे जाइला है। देव तलाय के और रीवा जिला के नाम न खराब होए। हमका शांति पूर्वक मर्यादा से हमका राम लला जी के दर्शन करे का है। सांसद जी के आशीर्वाद से अयोध्या माँ सम्मानी अयोध्या सांसद आदरणीय लल्लू सिंह जी के सानिध्य में अयोध्या के कार्यक्रम हो रहा है। सम्मानी परम पूज्य महाराज वेदांती जी जे के मछली नगर के पूर्व सांसद है उनके सानिध्य में अयोध्या के यह कार्यक्रम हो रहा है। सम्मानी उनका शिष्य राघवेश जी महाराज उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम हो रहा है। अपना पंचे से केवल एक आग्रह है कि राम लला जी के दर्शन माँ हनुमान जी के दर्शन माँ हमका पचन का मर्यादित होके दर्शन करे का है। आज देव तलाय के धरती माँ इतनी बड़ी संख्या में आज अपना पंचे एकत्रित भय हैं। यह भीड़ विवेक गौतम की भीड़ न हो, यह भीड़ सांसद जनार्दन मिश्रा जी के भीड़ न हो, के भीड़ न हो, यह भीड़ हमारे राम लला जी की तीरा। जय जय श्री राम। जब हम माननीय जी से कहें कि हम हजार लोगन का अयोध्या जी दर्शन करावे चाहिए, बिना समय लगाए एक तरकी या नहीं कहें कि नहीं विवेक या नहीं करे का है। हमका बड़ा गर्व होता है कि जो चीज हम करी थे ओम हमार नेता हमार साथ देते हैं। आज हम सबके बीच में रीवा के लोकप्रिय सांसद हम सबके नेता परम सम्मानित जनार्दन मिश्रा जी एक बार जोरदार ताली के साथ। अयोध्या के राम लला के मंदिर कितने कठिनाई से बन रहा है, कितना लोग सपना देखे रहे, अय्या लागत रहा कि राम लला के मंदिर बनवाए न करी। आवाज हुआ करी भैया, यह लागत रहा कि राम लला के मंदिर बनवाए न करी। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में आज यह बड़े गर्व से कहे पड़ा था बड़ा गर्व से कहे पड़ा था कि अयोध्या में राम लला के भव्य मंदिर बन रहा है। एका देखा जीती राज हम पंचे दिनी संख्या में विधायक जी इन्होंने बहुत छोटे कार्यकाल में अपने क्षेत्र में असीमित उद्योग से लेकर सिंचाई बिजली पानी सड़क पुल पुलिया इन सब कामों को बहुत प्राथमिकता से किया है। ऐसे हमारे और निष्कलंक के कोई दाग भी नहीं है इन पांच साल के कार्यकाल में। श्यामलाल द्विवेदी के ऊपर कोई आंसू उंगली नहीं उठा सकता कि एक नए पैसे का कभी इन्होंने कहीं कोई आरोप नहीं लगा सकता। 400 साल बाद राम मंदिर के लड़ाई 400 साल पहले शुरू हुए थे और जब वो यह देश के आबादी 10 करोड़ 15 करोड़ रही, कुल लवे तो 140 करोड़ है, वह समय आबादी 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ रही। एक अनुमान है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए लगभग 4 लाख लोग मारे जा चुके हैं। 4 लाख लोग आज के आबादी के तुलना में कल्पना करी तो 20 पंचे 100 20 संग 200 7 गुना 7 चौक 28 लाख। आज की आबादी में अगर अपना कल्पना करी हुआ जे लोग बलिदान दीन मंदिर के लिए तो उनकर संख्या होती 28 लाख 30 लाख। आज के संख्या के अनुपात में 30 लाख लोग या मंदिर बनावे के लिए अपन बलिदान कीन 400 माँ कम से कम 15-20 पीढ़ी तड़प गई कि मंदिर बनत दिख ली। लेकिन उनका सौभाग्य नहीं मिला मंदिर बनत देखे के। हमार पीढ़ी अपना पंचन के पीढ़ी
सौभाग्यशाली है, पता नहीं कौन पुण्य लाई के हम बंचे जन्मन कि हमारे पीढ़ी का राम मंदिर बनत देखत देखे का मिल रहा है। राम लला का मंदिर मा विराजित हो देखे के या हमारे पीढ़ी का संकल्प मिल रहा है, यह पुण्य है। ऐसे जब श्यामलाल जी कहते रहे कि सब भगवान आई तो भगवान से कम न हो ही कहे कि हमका देखेगा मेरा लाख मंदिर। आप सब ईश्वर से भी ईश्वर तुल्य हैं क्योंकि आपको रामलला का मंदिर देखने को मिल रहा है जिसके लिए 400 साल की हमारे पूर्वज बलिदान होते गए उनको नसीब नहीं हुआ, लेकिन उन पूर्वजों का प्रताप से आज इस पीढ़ी को ये लाभ ये अवसर मिला है। हम विवेक का धन्यवाद दे थे कि इनका लड़कवा है, इनका लग जाए चाहे लड़कन का कहा माउंट आबू कहा मसूरी कहा तोबा कहा कुछ, तो जब से कहीं कि हम अयोध्या लग जाए चाहे थे सबका दर्शन करें चाहते तो हम जब आ गए कहें गोबो वो लग जाते कहीं नहीं गोबा नहीं वहाँ अयोध्या ठीक नहीं। तो हम विवेक गौतम के विचार का ताना जी फिल्म में कहीं चाहते जी ताना फिल्म देखे का है, तो शिवाजी के सेनापति के बलिदान आए तानाजी फिल्म, तो यह मैं से इनकर जो उन विवेक है जैसा ना है वह में के इनकर सोच ऐसे अपना बच्चन के आशीर्वाद विवेक का मिले बना रहा है। और अपना सबको जाके वहाँ राम लला जी से प्रार्थना करी कि रीवा में पानी बरसे धान सुखा जाती यह विनती कही के। और भारतीय जनता पार्टी के अबे लक्ष्य है काशी या मथुरा, वो विनती करब वहाँ कि काशी से तो बंजर के सबके चरणन मा सिर नवाबत की अपन बात समाप्त करी थे। जय हिंद जय भारत जय श्री राम।